الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है जिसका तर्जमा ये किया गया है कि और तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे, यही लोग नजात पाने वाले हैं। ये हमारे तमाम मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, फुकहा और सुलहा सब ने हमेशा इसी आयत शरीफ़ा को बुनियाद करार दिया है कि मोमिनीन में, मुस्लिमीन में, मुहसिनीन में, ये कुरान पाक के तीन लक़ब हैं, मोमिन, मुस्लिम, मुहसिन। इसी के लिए तीन चीज़ें बतलाई गई, ईमान, इस्लाम, एहसान। इसी की तशरीह और तौज़ीह के लिए शरीयत है, सुन्नत है, तरीक़त है, ये तीन उसूली चीज़ें बतलाई गईं कि हर काम शरीयत की रोशनी में, सुन्नत की रोशनी में, तरीक़त की रोशनी में। शरीयत क्या है? अल्लाह का कानून है, हमारा दस्तूर है, कानून है। दूसरे, सुन्नत क्या है? हुजूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, सहाबे कराम का तरीक़ा है, ताबईन का तरीक़ा है, तबे ताबईन का तरीक़ा है, तमाम बुजुर्गान दीन का तरीक़ा है, तमाम उलमाए दीन का तरीक़ा है। लिहाजा हर मोमिन, मुस्लिम, मुहसिन के यही तीन उसूल हैं, ईमान, इस्लाम, एहसान। इसी के लिए शरीयत के अहकाम हैं, इसी के लिए सुन्नत का तरीक़ा है, इसी के लिए हज़रात अम्बिया व सिद्दीकीन, शुहदा व सालिहीन का जो तरीक़ चला रहा है, उसी का दूसरा नाम क्या है? सिरात मुस्तकीम है। इसी का क्या नाम है? हिदायत है। तो ये सब उसके मुख्तलिफ उन्वानात हैं, मकसद सबका यही है। अब आगे चलकर जब दीन अरब से अजम में आया तो वहाँ फिर जैसे हम लोगों की आपस की गुफ्तगू है, हम लोग अरबी में तो गुफ्तगू नहीं करते ना, अपनी मादरी ज़ुबान में करते हैं, तो नमाज रोज़े पर तो किसी को इश्कार नहीं होता है कि आप सब नमाज क्यों कहते हैं, नमाज कुरान में कहाँ आया है, रोज़ा हदीस में कहाँ आया है, कोई नहीं कहता। फिर नमाज रोज़ा सब समझते हैं, ये सब सलात कहते हैं हर वक्त, सलात तो नहीं कहते, ऐसी सयाम और सौम भी नहीं कहते, रोज़ा नमाज कहते हैं सब समझते हैं। तो ऐसे ही कुछ नाम अपनी मादरी ज़ुबान में रख लिए गए तो उस पर भी एतराज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि उसको सलफ़ सालहीन ने इख्तियार कर लिया। अब बाज़ लोग खुदा को बिल्कुल ऐसा समझने लगे इस वक्त जैसे वो कोई गलत लफ्ज़ हो, ऐसा नहीं है। हमारे बुज़ुर्गों ने इसको इस्तेमाल किया है और जिस माना में इस्तेमाल किया है वो उसी माना में समझा जाता है, उससे मुराद कोई मजूसियों का खुदा नहीं समझता उनके एतक़ाद के मुताबिक, कोई यहूदियों के एतक़ाद के मुताबिक, कोई नसारा के एतक़ाद के मुताबिक, नहीं, सब जो अहले इस्लाम का अकीदा है उसी के मुताबिक खुदा कहते हैं, नबी और रसूल कहते हैं, उसको पैगंबर और पयाम्बर भी कहते हैं। तो ये सब नाम ज़ुबान से बदले, तो ऐसे ही तीन लक़ब बाद में अख्तियार कर लिए गए, सुन्नी, मुक़लिद। अब मुक़लिद ख़्वाह वो हनफ़ी हो, मालिकी हो, शाफ़ी हो, हम्बली हो, तक़लीद अहले हक़ उलमा के नज़दीक इन चार में मुनहसिर। इस पर इजमा हो चुका कि अब कोई दूसरा नाम इसमें नहीं रखा जाएगा, हनफ़ी, मालिकी, शाफ़ी, हम्बली, ये अहले सुन्नत वल जमात के चार चार तरीक़े हैं। आवाज़ तो आ रही ना आप लोगों को, बस आपके कान में आवाज़ आनी चाहिए। इस पर एक वाक़या सुन लीजिए, असल में ये जब से ये सब चीज़ें आई हैं तो नमाज में इसको इस्तेमाल करते हैं, मुझे बहुत कराहत होती, इसमें तवज्जो सारी इमाम की उधर उलझी रहती है। तो जो बेतकल्लुफ़ सादा कैफियत इमाम की होनी चाहिए वो सब इससे मुतासिर हो रही है।
इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों का जो तरीक़ था वो लाउड स्पीकर को हटवा दिया करते थे, उस पर नमाज़ नहीं पढ़ाते थे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कभी नहीं पढ़ाई नमाज़ उस पर। हज़रत और हज़रत के बाद यहाँ हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल लतीफ़ साहब मुज़ाहिरीन के नाज़िम हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब जलालुद्दीन और मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब का सबसे पहला फ़तवा यही, जब महल्ले वालों ने ज़ोर दिया और मुफ्ती साहब ने खामोशी, वहाँ पे में हो जाती ना कमज़ोरी, तो लोग उसको समझते थे कि हज़रत ने इजाज़त दे दी। तो मैंने हज़रत से जाके अर्ज़ किया, मैंने कहा हज़रत सबसे पहला फ़तवा आपका इसकी ममानात का है, आपने सबसे पहला जो फ़तवा मज़ाहिरों में लिखा है वो इसकी ममानात का लिखा है। अब जो चीज़ चल पहुँचती है, इज़िल बलियत आमत पाबत, जहाँ कोई बला आई आम हुई बस अच्छी भी लगने लगी। अब जिसे देखो सबको कोरोना आज तक लपटा पड़ा है, जिसे देखो मास्क लगाए पटक जाए कि उसकी सांस से ना हो जाए, उसकी खांसी से ना हो जाए, उसकी छींक से ना हो जाए। इसी डर से सब इससे इतने खायफ हो गए कि हर शख्स के दिलो दिमाग में कोरोना बैठ गया। अब वो निकालो तो निकलता भी नहीं, जिसे देखिए उसी को। और हालांकि उसका नाम मैंने उर्दू में रखा, मैंने कहा इसका नाम ही कोरोना, यानी कुछ ना करो, सब मुअत्तल होकर बैठ जाओ ठप, कोई कुछ काम ना करो। मैंने अपने अफसरान हुक्काम से भी कहा, मैंने कहा भाई ये बीमारी तो हम आपके कहने से मान लें, लेकिन इसका इलाज लॉकडाउन किस अहमद ने बताया कि सब बैठ जाएं, सब डाउन होकर बैठ जाएं, कोई अपना हो। उनके ये किसने बताया भाई? मैंने कहा ये बतलाइए कि 90% लोग योमिया काम करने वाले, योमिया कमाने वाले, योमिया खाने खिलाने वाले हैं, ये क्या करेंगे, कैसे आप इनका इंतज़ाम करेंगे? कोई काम हो उसमें दीन हो, अक्ल हो, इल्म हो, तब नज़्म होता है। अब न दीन से कोई बहस, न अक्ल से कोई बहस, न इल्म से कोई बहस, और नज़्म कर रहे हैं, क्या होगा? यही होगा जो हुआ और हो रहा है। अल्लाह ताला हम सबको फ़हम सलीम और अमल मुस्तकीम अता फरमाए। ये दुआ भी करनी चाहिए और इसकी कोशिश भी करनी चाहिए, खाली दुआ नहीं, कोशिश भी, और खाली कोशिश नहीं दुआ भी, हुस्न तदबीर और दुआ का अहतमाम। हमारे हज़रत जलाल आबादी रहमतुल्लाह अलैह के चार लफ्ज़ अखीर ज़माने में ज़ुबान ज़द थे, ज़ुबान ज़द, अपने ऊपर उजब की निगाह नहीं कि हम कुछ हैं, दूसरे पर तहकीर की नज़र नहीं कि ये कुछ नहीं है। ये कैसी भाई, ये ख्याल कैसा कि हम सब कुछ हैं दूसरा कुछ नहीं है? तो मैं इस ख्याल को पास न फटकने दिया जाए, उजब अपने लिए उजब की निगाह ना हो, दूसरे के लिए तहकीर की, तनकीस की, हकालत की नज़र ना हो, और हर काम में हुस्न तदबीर और दुआ का अहतमाम। इसका तरीक़ा क्या है? अगर अल्लाह ने खुद अक्ल दी है तो उससे काम ले, अगर उसके पास अक्ल नहीं है तो किसी अक्ल वाले से मशवरा करे, किसी दीनदार से मशवरा करे। हदीस शरीफ में आता है शाविरुल फुकहा वल आबिदीन, और बाद में वाव के बग़ैर है शाविरुल फुकहा अल आबिदीन, फुकहाए आबिदीन उलमाए आमिलीन से मशवरा कर लिया करो। इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों ने वसीयत की, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह से उनके साहिबजादों ने पूछा, हज़रत मौलाना मुफ्ती रफ़ी उस्मानी और हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी मुद्दतुल्लुहुमा ने अपने वालिद से कि अपनी सारी ज़िंदगी का निचोड़ बता दीजिए, खुलासा जो दारुलिफ्ता में काम आता रहे। फरमाया कि अहल से मशवरा, जो अहल हो उससे मशवरा, खाली मशवरा नहीं, मशवरा भाई खाली मशवरा का क्या मतलब भाई, अहल से मशवरा, तो अहल से मशवरा किया जाएगा काम करने से पहले, काम करने के बाद नहीं, काम करने से पहले अहल से मशवरा, और अल्लाह तबारक व तआला से खैर मांगना, भलाई इसके नतीजे में खैर हो। पहले का नाम क्या है? इस्तिशारा, अहल से मशवरा, और अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिखारा, खैर मांगना। तो खैर मांगता रहे, उसके लिए एक तो मुफस्सल दुआ है और एक मुख्तसर है, अल्लाहुम्मा खिर ली वख्तर ली, सबसे मुख्तसर दुआ है इस्तिखारे की, और सब के लिए करना, और घर वालों के लिए कि सब खैर पर रहें, अल्लाहुम्मा खिर लना वख्तर लना पहुँचें। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारे बुज़ुर्गों ने और सलफ़ सालेहीन से मुतकद्दमीन से लेकर मुताख़िरीन तक जिस बात पर सब मुत्तफ़िक रहे वो क्या? दावत इलल खैर। तो जब तक खैर और शर का इल्म नहीं होगा तो आदमी को पता कैसे चलेगा? इसके लिए मालूम हो कि सबसे पहली शर्त इल्म है, जिससे ये मालूम हो कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये खैर भी है कि नहीं है। नियत हमने कर ली
नियत की फजीलत सुनी थी, नियत कर ली। काहे पर? चोरी पर। काहे पर? डकैती पर। काहे पर? कत्ल पर। काहे पर? बदकारी पर। तो इन सब चीज़ों में आदमी खैर की नीयत करने लगेगा जहालत की वजह से। एक साहब से कहा कि भाई वो आदमी बहुत लूट खसोट करता है, झूठ बोलता है, धोखे देता है, रिश्वत लेता है, सूद देता है। भाई साहब बहुत काले खैर करता है वो। एक साहब मुझसे खुद कहा कि मुझसे साहब बहुत काले खैर करता है। मैंने कहा अरे भाई ज़माने जाहिलियत में भी काले खैर होता था जिसे तुम काले खैर कह रहे हो, मगर अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने इसको काले शर बतलाया। जो बड़े बड़े रुसा होते थे वो सूद लेते थे। उनसे जब कोई कहते था आपको क्या ज़रूरत है आप सूद लेके, हम गुलबा की मदद करेंगे। ये ज़माने जाहिलियत के वाक़यात में लिखा है तफासीर के अंदर कि वो सूद इसलिए लेते थे ताकि हम मदद करें। नहीं, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबियों की। हमारे उस्ताद उल असातिदा हज़रत मौलाना सैयद ज़रीफ़ अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत कुव्वत से फरमाया करते थे, अरे दूसरे की क्या पड़ी हुई है तुमको, अपनी न डिबो। तुझको पढ़ाई क्या पढ़ी अपनी नबियों की। आजकल हम लोगों की खैरख्वाही ये हो गई कि दूसरे के शर की हिफाजत के लिए, दूसरे के शर की हिफाजत के लिए अपना खैर खोए दे रहे हैं, दूसरे के शर की हिफाजत कर रहे हैं और उसके नतीजे में अपना खैर खोए दे रहे हैं। मेरे शेख मुर्शिद हज़रत जलाल आबादी नूरल्लाहु ने एक दफ़े कर्ज़ फरमाया कि हमारे हज़रत हाजी इमदादुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से यूँ फरमाया था कि देखो मियाँ अशरफ अली, दूसरों की जूतों की हिफाजत के लिए, दूसरों की जूतियों की हिफाजत के लिए अपनी गठरी न उठवा देना। उसका मतलब यही है जो हदीस शरीफ में आता है कि आखिरत में सबसे खसारे में वो शख्स होगा, नुकसान में, टोटे में, जो दूसरे की दुनिया संवारने के लिए अपने दीन को बिगाड़ कर आया होगा। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आजकल हम लोगों का ये आम हाल हो गया है, भाई दूसरे का क्या फ़ायदा, कहें साहब उसकी दुनिया बन जाएगी, कहें आपका क्या कि हमारा दीन बिगाड़ जाएगा। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को जो लोग सियासत में कूदे रहते हैं उनमें से एक लीडर साहब ने कहा कि हज़रत अगर हम आपको अपनी सारी तफसील बताएं तो आप हमारे ऊपर कुफ्र का हुक्म लगा देंगे। हज़रत ने फरमाया मैं क्यों लगाता, आप तो खुद ही समझ रहे हैं कि आप कुफरी हरकतें करते हैं, मैं क्यों लगाता भाई, आपका तो दिल खुद समझ रहा है। एक दफ़ा ठीक यही बात एक डॉक्टर साहब ने सहारनपुर में आपके कही, मौलाना तो हुसैन साहब मरहूम से मैं था, उन्होंने भी यही कहा कह रहे हम तो मुफ्ती साहब को पूरी तफसील बता नहीं रहे, हम बताएंगे तो हमारे ऊपर धाव से कुफर का फतवा लगा देंगे। तो उस वक्त मौलिया साहब ने भी बर्दस्ता यही कहा कि आप तो खुद ही उसे कुफर मान रहे हैं, मुफ्ती साहब को फतवा देंगे, आप तो खुद ही कह रहे हैं उसको, आप समझ भी रहे हैं कि ये कुफरी हरकतें करते हैं कुछ आप। तो आज लोगों को खैर और शर की तमीज़ निकली हुई है, कुफर और इस्लाम की तमीज़ निकल गई है, खैर और शर की तमीज़ निकल गई है, हिदायत और ज़लालत की तमीज़ निकल गई है, मारूफ और मुनकर की तमीज़ निकल गई है। और कुरान क्या कह रहा है, खैर की दावत, मारूफ का हुक्म, नेकी का हुक्म, मुनकर से रोकना, तो बुराई से रोका जाए, अच्छाई का हुक्म दिया जाए और खैर की दावत दी जाए, ये तीन काम हैं। इसके मुकाबिल हैं कुछ चीज़ें कि भाई जब आप दावत खैर की देंगे तो शर से खुद ब खुद रोकेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको खैर और शर के दरमियान तमीज़ हो। अगर उसका इम्तियाज़ ही नहीं, उसकी तमीज़ ही नहीं, तो नावाकफियत में, जहालत में, बेखबरी में आदमी खैर को शर और शर को खैर समझ लेगा, जैसा कि आम तौर पर हो रहा है। इसलिए इल्म बुनियादी शर्त है। अगर इल्म नहीं होगा तो हदीस शरीफ में आता मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फमन लम यस्ततिअ फबिलिसानिही मन लम यस्ततिअ फबिकल्बिही वज़ालिका अज़फ़ुल ईमान अव कमा क़ाला अलैहि सलातु वसलाम। अब आदमी जब उसको खैर और शर, मारूफ और मुनकर की तमीज़ नहीं होगी तो वो कहाँ हाथ से रोकना है, कहाँ ज़ुबान से कहना है, कहाँ दिल से बुरा समझना है, इसके मौक़े ही नहीं समझेगा। जहाँ आदमी को इख्तियार है हाथ से रोकने का, वहाँ हाथ से रोकना वाजिब। जहाँ ज़ुबान से कह सकता है वहाँ ज़ुबान से कहना वाजिब। जहाँ ये दोनों काम नहीं कर सकता वहाँ दिल से बुरा समझना है। उसके लिए अहलियत शर्त है, बग़ैर अहलियत के कैसे होगा काम। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हज़रत
दावत तबलीग का क्या हुक्म है, कौन दावत तबलीग करे कौन ना करे। फरमाया दावत तबलीग जब अहल से होगी और महल में होगी तो कभी फसाद नहीं होगा। दावत तबलीग अहल से हो और महल में हो, इसी में गड़बड़ हो जाती है। या तो दावत तबलीग अहल से नहीं होती या महल में नहीं होती, बस ये दो गड़बड़ें जब होती हैं तो इसी के ख़िलाफ़ वर्दी का नुकसान होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तीनों कामों की तौफीक, हिम्मत, खलूस के साथ, सिद्क़ के साथ नसीब फरमाए। क्या क्या? दावत इलल खैर, दावत इलल शर, हमारे कौल से, अमल से, फ़िल से हरगिज़ हरगिज़ ना। दूसरे अमर बिल मारूफ, सबसे पहले अपनी ज़ात को, अपने घर वालों को, अपने मुतालिकीन को, अपने मुहिब्बीन को, अपने मुंतसिबीन को आदमी कह सकता है, उनसे कहे। घर पर पूरा इख्तियार है और जहाँ जितना जितना इख्तियार है, जहाँ भी याद रखना चाहिए मर्द मजबूत होते हैं वहाँ जाहिल औरतें और जाहिल औलाद उन पर हावी नहीं होती, ये याद रखना चाहिए। जहाँ भी ये दो चीज़ें नहीं होती हैं, मर्द है नावाकिफ और तबीयत का है कमज़ोर, बस वहाँ उसकी जाहिल बीवी भी मुसल्लत हो जाएगी और नालायक औलाद भी मुसल्लत हो जाएगी। ये बिल्कुल तजर्बे की खुली आँखों देखी बात है। जहाँ ये दो चीज़ें होंगी, मर्द बाइल्म हो, इल्मी शऊर रखता हो, दीनी शऊर रखता हो, हसास हो, फिक्रमंद हो और बाहिम्मत हो, तो वहाँ वो क्या काम करना है क्या नहीं करना है इसका शुरू से निज़ाम रखेगा। और जो आदमी शुरू से निज़ाम रखता है उसका निज़ाम बन जाता है, जो शुरू से निज़ाम नहीं रखता उसके यहाँ सब मामला उलट। आजकल बीच में एक बात याद आ गई खैर और शर पर, जब आप गद्दों पर बीवी बच्चे आप सब सोएंगे, खुद भी हम सोएंगे और हमारे बीवी बच्चे भी सोएंगे गद्दों पर डल्लब के, और किस में? एसी में, और मोबाइल देखते देखते, उसके क्या नुकसान होंगे? इन तीन हरकतों के क्या नुकसान होंगे? नमाज कज़ा या गायब, सोने के वक्त नमाज चली जाएगी, गफलत पहले नंबर पर, सबसे पहले उसके ऊपर गफलत आ जाएगी। गफलत से जुड़ी हुई क्या है? लानत, वो आ जाएगी। उससे जुड़ी हुई क्या चीज़ है? नहूसत, वो आ जाएगी। मुकाबिल क्या है? क्या चीज़ें छूटी आपसे? नहूसत का मुकाबिल है बरकत, लानत का मुकाबिल क्या है? रहमत, और गफलत का मुकाबिल क्या है? ज़िक्र, तयक्कुज़, बेदारी और अल्लाह की याद। ये तीन चीज़ें आएंगी तो तीन चीज़ें छूटेंगी। इसको अपने दिल व दिमाग पर लिख लेना चाहिए, ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अभी अभी मेरे दिल में आया कि इसको कह दें। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबें तो लिखी तकरीबन 1000, लेकिन हज़रत ने क्या फरमाया कि मुझे इस किताब के लिखने पर अल्लाह तबारक व तआला से अपनी नजात की उम्मीद है, अपनी बख्शिश की उम्मीद है। ये किताब है हयातुल मुस्लिमीन। ये हयातुल मुस्लिमीन हज़रत को गोया के इल्हाम हुई। हज़रत का जुमला है कि मुझे जब मुसलमाना ने हिंद की फ़िक्र होती थी कि भाई ये किस हाल में चल रहे हैं और आइंदा किस हाल में चले जाएंगे, दीन के एतबार से, इल्म के एतबार से, अमल के एतबार से, उसका नुकसान कैसे होगा? वालिदैन तरबियत नहीं करेंगे, असातिज़ा को जो तालीम देनी चाहिए वो तालीम नहीं देंगे, और मशायख को अपनी सुहबत से जो इस्लाह करनी चाहिए वो नहीं करेंगे। बकौल हज़रत मौलाना शाह रसूलुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के कि आजकल जिसे देखो तबलीग 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 कर रहा है, मगर ये ऐसा ही है जैसे मरस तो हो कुछ और दवा हो कुछ। तो फरमाया भाई दोनों में जोड़ ही नहीं होगा, बीमारी है ये और इलाज बताया जा रहा है दूसरा। तो जब तक के उस बीमारी का इलाज नहीं किया जाएगा, बीमारी क्या है हमारी? अकायद हमारे सही नहीं है, अखलाक सही नहीं है, आमाल सही नहीं है, अकायद इस्लामी हो। इसलिए हज़रत मौलाना अबरारुल्लाह साहब रहमतुल्लाह छोटा सा रिसाला लिखवाया इस्लामी अकायद, क्योंकि इतनी ज़खीम किताब है बेहश्ती जेवर। अब बेहश्ती जेवर आदमी लेके बैठे तो इतनी मोटी किताब है, वो उसमें अकायद का बयान है मुख्तसर सा, लेकिन किताब मोटी है। तो हज़रत ने बेहश्ती जेवर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखवाई हुई किताबें, लिखी हुई नहीं लिखवाई हुई है,
हज़रत ने अपने शागिर्दों से लिखवाई है, मंसूब हज़रत की तरफ है। तो हज़रत ने उसके अंदर इस्लामी बुनियादी अकायद लिखवा दिए। हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहब लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने इल्मुल फ़िक्ह में इस्लामी अकायद लिखवा दिए। हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तालीमुल इस्लाम में इस्लामी अकायद लिखवा दिए। उन तीनों को सामने रखकर हज़रत मौलाना अबरार रौनक साहब ने इस्लामी अकायद का एक मुख्तसर सा मजमूआ तैयार कर दिया, जैसे यह रिसाला है, इतना है मुख्तसर सा जामे रिसाला। इस्लामी अकायद अपने घर पर मर्द भी पढ़ें, औरतें भी पढ़ें, बच्चे भी पढ़ें, बच्चियां भी पढ़ें, इसलिए कि अगर इस्लामी अकायद उनके न हुए तो इस वक्त पूरे आलमी पैमाने पर कुफ्र दनदना रहा है, शिर्क दनदना रहा है, इल्हाद और जंदका बेदीनी और बददीनी दनदना रही है। और जो मुसलमान कहे जाने वाले हैं, समझे जाने वाले हैं, वो तबलीग काहे की कर रहे हैं? रिव्ज की, सबाइयत की, शीयत की, कादियानियत की, गैर मुकल्लिदियत की, कि न तो हमारे लिए बुजुर्गान दीन कोई हैसियत रखते हैं, न उलमाए दीन कोई हैसियत रखते हैं, सब एक हाथ में कुरान ले लो, एक हाथ में हदीस ले लो, जो तुम्हारी अकल में आए वो बतलाओ सबको, जिसे देखिए वो मुश्तहिद मुतलक हो गया है। जब से ये मोबाइल आया है तो मोबाइल से कुछ काम की चीज़ें तो हो रही हैं, वो तो मैं भी जानता हूँ, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं उसके फ़ायदे क्या हैं, लेकिन जो नुकसानात हैं वो भी आपको मालूम रहें कि उससे क्या हो रहे हैं, कि हर कसो नाकस जो कुरान पाक सही पढ़ नहीं सकता है, मैं सुनता हूँ बात, कुरान पाक ही सही नहीं पढ़ रहा है, तकरीर कर रहा है, कुरान पाक सही नहीं पढ़ रहा है, हदीस शरीफ के अल्फाज सही नहीं पढ़ रहा है, एराब गलत पढ़ रहा है, तर्जमा गलत कर रहा है, और तशरीह मनमानी कर रहा है, और दूसरा आदमी लट्टू हो रहा है कि देखिए साहब कितना बड़ा मुफस्सिर, कितना बड़ा मुहद्दिस। एक साहब ने, एक मुफ्ती साहब ने लिखा है अपने फतवे में कि एक साहब मेरे पास आए और एक मशहूर शख्स जो टीवी और रेडियो का आदमी है उसके बारे में कहा, 1400 साल से ऐसा आलिम मुज्तहिद फ़कीह पैदा ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा, वाकई कोई आलिम, कोई फ़कीह, कोई मुज्तहिद ऐसा नालायक जाहिल अहमक नहीं पैदा हुआ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा है। जैसे एक मुबल्लिग़ साहब हैं आलमी पैमाने के, उन्होंने किसी से कहा, अरे भाई हमारे तो हज़रत थानवी समझ ही में नहीं आते, हम दूसरों को क्या मशवरा दें पढ़ने का। तो एक साहब हरम शरीफ से मैं निकल रहा था, मुझसे पूछने लगे, हकीम अख्तर साहब कराची में जो थे रहमतुल्लाह, उनके दो मुजाज थे, मुझसे उनके हवाले से कहने लगे कि वो ऐसा कहते हैं। मैं खामोश रहा, वो समझे कि सुना नहीं, वो चूँकि जब हरम से हुदूद से बाहर आ गए तो फिर उन्होंने दोहराया। मैंने कहा वो ठीक कह रहे हैं, क्या ठीक कह रहे हैं? मैंने कहा, जो वो नासमझ हैं तो और क्या कहेंगे, वो कह रहे हैं कि हमारी समझ में नहीं आते, समझ में नहीं आता उसके जो नासमझ होता है, वो ठीक तो कह रहे हैं, आपको क्यों एतराज़ है उनके ऊपर? भाई एक आदमी अपनी बेवकूफ़ी का मौतरफ़ है, कह रहा है हमारी समझ में नहीं आती। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कौन हैं? हकीमुल इस्लाम हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनके ज़माने में उनका सानी नहीं था। अहले हक़ का मसलक बयान करना हो, क़ारी तैयब साहब। अहले सुन्नत का मसलक बयान करना हो, क़ारी तैयब साहब। उलमाए देवबंद का क्या फ़िक्र अमल है बयान करना हो, क़ारी तैयब साहब। दरस निज़ामी के फ़वाद बयान करने हो, क़ारी तैयब साहब। सारी चीज़ों में क़ारी तैयब साहब पेश किए जाते थे, सबके तर्जमान। उनसे शाम के हल्ब के बहुत बड़े आलिम हज़रत शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि हज़रत ये उलमाए देवबंद का जो फ़िक्र है, मकतब फ़िक्र जिसे कहते हैं, और अंग्रेजीदा उसे क्या कहते हैं, स्कूल ऑफ थाट कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये उलमाए देवबंद का मातिन कौन है, इसका मतन किसने लिखा और इसकी शरह किसने की? क़ारी तैयब साहब ने फरमाया कि इसके मातिन दो हैं, हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी और हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगूही, ये दोनों मिलकर मातिन हैं। उसूली बातें हज़रत नानोतवी के यहाँ हैं और फ़ुरूई चीज़ें हज़रत गंगूही के यहाँ। और फरमाया कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को कि हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना थानवी नूरल्लाहु मक़दहु, ये तने तनहा मसलके उलमाए देवबंद के शारे हैं, और इनके लिए फरमाया कि जैसे इमामुल उसूल हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी हैं, फ़कीहुन नफ्स
इमामुल फुरू हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही हैं, फरमाया ऐसे ही जामिउल उसूल वल फुरू हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना आशफ अली साहब थानवी, ये दोनों के जामे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जामियत अता फरमाई थी, अकायद इबादात मामलात मुआशरत अखलाक और इंतज़ामात, इन सब चीज़ों में हज़रत को अल्लाह तबारक व तआला ने एक नमूने की शख्सियत इस ज़माने में पैदा फरमाया था। हमारे जितने हजरात थे उलमाए देवबंद में बड़े से बड़े, हज़रत मदनी हैं वो उनको मुजद्दिद मानते हैं, हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी हैं वो उनको मुजद्दिद मानते हैं, हज़रत मौलाना शाहबुल कादिर साहब रायपुरी हैं वो उनको मुजद्दिद मानते हैं, शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब कांधलवी अपने अल्फाज में दो लफ्ज़ कहते हैं, कहते हैं मुल्हिकुल असागिर बिल अकाबिर, असागिर को छोटों को बड़ों से मिलाने वाले, बीच में जो कनेक्शन है पुल है वो कौन है जो छोटों को बड़ों से मिला देते हैं, हज़रत थानवी, ये शेखुल हदीस साहब के अल्फाज हैं। तो ये चीज़, और फिर हज़रत ने तो यहाँ के लिए लिखा, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब ने लिखा कि मैं कब्र में पांव लटकाए बैठा हूँ, और मुखातब किसको किया, मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोही जो मुफ्ती आज़म थे दारुल देवबंद और मज़ार उलूम सहारनपुर दोनों के बैक वक्त, उनके कलम से लिखवाया, किसके नाम, सरपरस्तान मदरसा के नाम, हज़रत मौलाना मोहम्मद असदुल्ला साहब रामपुरी जो नाज़िम मदरसा थे, और हज़रत मौलाना हकीम सैयद मोहम्मद अयूब सहारनपुरी जो सरपरस्त थे, इन दोनों को मुखातब किया है। तो हकीम अयूब साहब के पास उनकी बयाज में वो ख़त नकल था, मैंने उन्हीं की बयाज में इसको देखा है कि मैं कब्र में पांव लटकाए बैठा हूँ। मदरसे से मुतालिक कहा जाता है कि मदरसा अरबी मदार उलूम सहारनपुर जो आपका कदीम मदरसा है, ये फरमाया कि इसके बानियों ने अकाबिर ने हज़रत मौलाना सादत अली साहब सहारनपुरी, हज़रत मौलाना अहमद अली साहब सहारनपुरी, हज़रत काजी फजलुरहमान साहब सहारनपुरी, और फिर उनके मुआविन हज़रत मौलाना मोहम्मद मजहर साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, इन हज़रात के ज़माने में तीन लफ्ज़ लिखे जाते थे कि मज़ाहिर उलूम सुन्नी हनफ़ी और चिश्ती है, सुन्नीउल मज़हब हनफ़ीउल मसलक और चिश्तीउल मसलक। तो शेखुल हदीस साहब ने लिखा कि ये सुन्नी हनफ़ी और चिश्ती है, इसके साथ एक क़ैद बढ़ाई जाए कि सुन्नियत हनफ़ियत और चिश्तियत के सब अलमबरदार हो चुके हैं, इसका जिसे देखो वो कह रहा हम सुन्नी, जिसे देखो वो कह रहा हम हनफ़ी, जिसे देखो वो कह रहा हम चिश्ती, तो पता कैसे चले कि सुन्नियत हनफ़ियत चिश्तियत क्या है, ये अल्फाज दिलो दिमाग में महफूज करने के। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह ने लिखा कि सुन्नियत हनफ़ियत चिश्तियत से मुराद क्या है, जो हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही, हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोथवी और हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी ने अपनी किताबों में लिखा है, ये तीन नाम लिखे उन्होंने। तो इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि उनकी अहमियत हमारे बड़ों के बड़ों की निगाह में क्या थी, क़ारी तैयब साहब और शेखुल हदीस साहब का दर्जा हमारे लिए क्या है, जो हमारे दादा का था। जैसे आदमी के घर पर होते हैं भाई ये हमारे वालिद के वालिद हैं, ऐसे ही मदरसे में ये हमारे उस्ताद के उस्ताद हैं, खानकाह में ये हमारे पीर के पीर हैं। तो उसको समझना चाहिए कि भाई तरबियत किससे मिलेगी, वालिदैन से, तालीम किससे मिलेगी, असातिज़ा से, इस्लाह किससे मिलेगी, बुज़ुर्गान दीन से। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को जब फ़िक्र हुआ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की, आज का हिंदुस्तान नहीं था उस वक्त, बहुत बड़ा हिंदुस्तान था, गैर मुनक़सिम था, उस वक्त हज़रत ने फरमाया कि अगर इन चीज़ों को सामने रखा गया तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आदमी को पूरे तौर पर, ये 25 उसूल हैं इसमें, वो मैं आपको किताब नहीं सुनाऊँगा, आप घबराएं नहीं, मैं सिर्फ फहरिस्त सुनाऊँगा ताकि आप लोग इस किताब को आइंदा लेकर अपने इमाम साहब की खिदमत में पेश करें कि वो आपको 5 मिनट सुना दिया करें, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट। सबसे पहले इस्लाम और ईमान की अहमियत बताई जाए और इल्म दीन की तालीम और उसको हासिल करने का तरीक़ा बताया जाए, क़ुरान मजीद पढ़ने और पढ़ाने का अहतमाम किया जाए, अल्लाह ताला से महब्बत रखी जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी महब्बत की जाए, एतक़ाद रखा जाए तकदीर का भी, और अमल जो है वो तवक्कुल पर हो यानी अल्लाह पर भरोसा,
जो कुछ हमारी किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया वो होकर रहेगा, मगर हमको अल्लाह पर भरोसा करके ईमान और अमल सालेह के साथ ज़िंदा रहना है, ये फैसला करना है, और एक दूसरे को इस पर जमाना है। हक़ की वसीयत और सब्र की वसीयत। सब्र का मतलब लोग ये समझते हैं पिटते रहो, पिटने का नहीं मतलब है उसका। सब्र का मतलब है हक़ पर जमे रहिए, हक़ पर जमे रहना, उसमें जहाँ ज़रूरत पेश आ जाए अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपनी कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो उनको छठी का दूध याद दिला दीजिए। ये मतलब नहीं सब्र का कि आप पिटते रहिए। किसने बता दिया, कहाँ लिखा है? न कुरान में लिखा है, न हदीस में लिखा है। बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात। दुआ मांगना, चूँकि आदमी अपने ऊपर ये ना समझ ले कि भाई हम सब कुछ, हमारी तदबीर हमारी हद तक ही रहेगी, लेकिन उसमें तासीर किससे पैदा होगी? तदबीर में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की कुदरत से। तो दुआ मांगना, नेक लोगों के पास बैठना, सोहबत का बड़ा असर होता है। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चूँकि नेकियों का सरचश्मा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला किया जाए, बुज़ुर्गों से, उलमा से उसको सुना जाए, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एतक़ाद है, आपका जो अमल है, वो मालूम हो कि भाई वो क्या चीज़ है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी अख्तियार किया। मुसलमानों के हुकूक़ का ख़ास ख्याल रखकर उनको अदा किया जाए, अपनी जान के भी हुकूक़ अदा किए जाएँ, नमाज की पाबंदी की जाए, इसके लिए मस्जिद बनाई जाए, कसरत से अल्लाह का जिक्र किया जाए, मालदारों को ज़कात की पाबंदी बतलाई जाए और मालदार ज़कात की पाबंदी करें, ज़कात के अलावा भी दूसरे नेक कामों में ख़र्च करें, सदक़ात हैं, इमदाद हैं, और हमदर्दी है। आदमी कुछ नहीं कर सकता है, खैर की बात तो करे, खैर का मशवरा तो दे, बीच में किसी के लिए खैर के लिए बीच में आ जाए, तो भाई आदमी के पास हर जगह माल नहीं होता है। इसीलिए एक पुराना शेर है, ला खैर इंदका तुहदीहा वला मालू फलयुसअदिन नुतकैलम युसअदिन हालू। वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह से मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह शेर अक्सर लिखते हैं, अपने मवाइज़ में फरमाते हैं, मौजूदात में भी, मवाइज़ में भी। अब चूँकि उर्दू ही नहीं जानते लोग, अरबी क्या समझें, मैंने वाले साहब से अर्ज़ किया कि इसका तर्जमा कर दीजिए, तो उन्होंने इसका तर्जमा कर दिया, नहीं अस्पो फील जो दे सको, हाथी घोला नहीं दे सकते, नहीं अस्पो फील जो दे सको, नहीं मालो ज़र जो अता करो, कोई कलमा खैर ही कह तो दो, नहीं मखदरत तो यही सही। अगर कुदरत नहीं है आपको हाथी घोला देने की, माल और असबाब देने की, तो कम से कम कलमा खैर मुँह से निकालो। और फिर रोज़े की, ज़कात की, क़ुरबानी की, इन सब चीज़ों का अहतमाम। और एक अहम बात है जिसमें हम लोगों से बड़ी गलती होती है, आमदनी और ख़र्च में वो नहीं जोड़ नहीं लगाते। मर्द की आमदनी कितनी है, औरतें और बच्चे अगर इसका ख्याल नहीं करेंगे तो घर का निज़ाम चौपट हो जाता है। इसलिए हज़रत फरमा रहे हैं आमदनी और ख़र्च का इंतज़ाम रखना, जितनी आमदनी हो उसके मुताबिक इंतज़ाम करें। लोग इसको समझते हैं ये दीनदारी नहीं है, दीनदारी की बुनियाद है ये, आदमी इसके बगैर दीनदार कैसे रहेगा? पता चला कि फजूल खर्च है, तबजीर है, इसराफ है, उसको ज़रूरी गैर ज़रूरी की तमीज़ नहीं है, उल्टी पुल गलत जगहों में खर्च कर देता है, सही जगह खर्च ही नहीं करता। तो सही जगह से खर्च करे, सही जगह से कमाए, हलाल तरीक़े से कमाए और सही जगह खर्च करे, ज़रूरत पे। फिर निकाह करना और हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इजाफ़ा करना, नस्ल को बढ़ाना, दुनिया से दिल न लगाना और आखिरत की फ़िक्र में रहना, गुनाहों से बचते रहना, खुशगवार हाल हो तो शुक्र करना वाजिब, नागवार हाल हो तो सब्र, इसलिए शुक्र और सब्र की आदत डालें। हमारे हज़रत जलाल आबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि तीन काम इनका अहतमाम ज़रूरी है, ज़ुबान पर ज़िक्र रहे यानी ज़िक्र मसनून, जिसके लिए हमारे हज़रत हल्दवी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मुनाजात मकबूल का जो ततिम्मा है उसको अज़कार मसनूना के नाम से मुरतब कर दिया है। पैदाइश से लेकर मौत तक, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जितने मवाक़े हैं वो तकरीबन बिला मुबालगा तकरीबन 150 होंगे, बाज़ों ने 125, बाज़ों ने 100, बाज़ों ने 40 ही दुआएं लिखी हैं। हज़रत ने सब दुआओं को मौके की जमा कर दिया। हज़रत मौलाना अब्राहिम उसको छोटे से किताबचे में अज़कार मसनूना वो ज़रूर ले लें।
मुनादात मकबूल हज़रत की ले लें, उसमें दोनों चीज़ें हैं, और वरना हज़रत हल्दुई का इस्लामी अकायद और अज़कार मसनूना, और बच्चों को नूरानी कायदा पढ़ाएं ताकि वो कुरान पाक सही पढ़ें। जवान हो जाते हैं, बाकी अधे व बूढ़े हो जाते हैं, पता चला कुरान पाक ही नहीं पढ़ा। अब जो बुनियादी किताब हिदायत है उसके तीन हकूक़ हैं, कुरान पाक सही पढ़ना, कुरान पाक को समझना, क्या अहकाम हैं, क्या काम करने हैं क्या नहीं करने, उसके तकाज़ों पर अमल करना, तो उसको सही पढ़ना, सही तौर पर समझना और उसके अहकाम पर अमल करना, ये तीन बुनियादी हकूक़ हैं। इसके नीचे का मसला ही नहीं है, इसके बगैर आदमी मुसलमान ही नहीं होता है। इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों का साफ इरशाद है, अगर मुसलमान रहना चाहते हो तो कुरान को पकड़ो, कुरान को, कुरान होगा तब आदमी मुसलमान रहेगा, वरना इस वक्त क्या हो रहा है, वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द ज़ल्ल सवा सबील, कुफ्र को ईमान से और ईमान को कुफ्र से तब्दील किया जा रहा है, और उस तबादले में दलाल और मुखबिर टाइप के लोग लगे हुए हैं अपनी कौम के, और वो दोनों सूरतों में हैं, बाज़ जाहिलों की शक्ल में हैं और बाज़ आलिमों की शक्ल में। इसीलिए मौलाना रूम ने लिखा है कि किसी के हाथ में हाथ देने से पहले सोच समझ लिया करो, कहीं ये आदम की शक्ल में इबलीस ना हो। साफ फरमाया है, अय बसा इबलीस आदम रूए हस्त, बसा औकात इबलीस जो है वो आदम की शक्ल में आ जाता है। इसलिए इससे भी आदमी कोशिश करे और दुआ करे, बग़ैर अल्लाह के फजल से फजल के कोई काम नहीं हो सकता, और मशवरा अहल से और आपस में इत्तेफाक़, और ये कब होगा, जब मामलात की सफाई होगी, जब वालिदैन एक दूसरे का हक़ नहीं अदा करेंगे, भाई बहन एक दूसरे का हक़ अदा नहीं करेंगे। अभी माँ बाप का इंतकाल होते देर नहीं होती, आते हैं कहते हैं साहब हमारी एक बहन है, हम एक उसके भाई हैं, दोनों में बोल चाल नहीं है। क्यों नहीं है, तो वो लेन देन का मसला है, घर पर मीरास अदा ना करने की वजह से। आप किसी सहारनपुर का वाक़िया है, एक शख्स आया मेरे पास, कहने लगा कि झूठ बोलना कहाँ जायज़ है। मैंने कहा ऐसे हम चुट फुल वो नहीं बताते, पहली साफ बात बताओ, कहाँ पूछ रहे हो तुम, किस मौके पर झूठ पूछ। कहने लगा कि एक दीनदार शख्स है, उसने अपनी बहन को कत्ल कर दिया। मैंने कहा अजीब मोहम्मद आदमी हो तुम, उसको दीनदार भी कह रहे हो, करो बहन को कत्ल कर दिया, तो दीनदार आदमी बहन को कत्ल करेगा, वो तो बददीन आदमी। कहने नहीं मतलब मेरा दूसरा था, वो ये वो जमात में जाता है। मैंने कहा भाई जमात में जाए चाहे ना जाए, बहन को क्यों कत्ल किया उसने। कहने लगा वो मीरास मांग रही थी माँ से, तो भाई से मुतालबा कर रही थी माँ के सामने, मैं गवाह था, वो उसका करीबी रिश्तेदार था, तो कहा उसने उसका गला दबा दिया, वो मर गई। तो अब वो उसकी माँ गवाह है और मैं गवाह हूँ, वो इसी उस पर छूट सकता है जब हम दोनों मुकर जाएं कि इसने नहीं मारा। हमने कहा नहीं जायज़ नहीं तुम्हारे लिए मुकर, उसकी गवाही तुम्हारे ज़िम्मे वाजिब है कि हाँ इसने गला घोंट कर मारा हमारे सामने मीरास के मुतालबे पर। और ये दीनदार नहीं, इसको दीनदार ऐसे शख्स को हरगिज़ न समझना न कहना, ये बददीन शख्स था जिसने मीरास के मुतालबे पर अपनी बहन का गला घोंट दिया। ये ऐसा कितना बड़ा जुल्म, और उसको दीनदारी के साथ जोड़े हुए। अरे भाई दीनदारी से क्या ताल्लुक़, मीरास दो जहेज मत दो। जहेज़ का हुक्म नहीं दिया गया कुरान में कि जहेज़ दो, हाँ कुरान में एक पूरा रुकू नाज़िल हुआ मीरास के लिए, युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह तुमको ताकीद करता है, वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में, पूरा रुकू नाज़िल हुआ मीरास के बारे में। आज लड़कियों को जहेज़ दिया जा रहा है, बिके जा रहे हैं उसमें, इसी सहारनपुर में मैंने देखा बिक गए लोग, बाग बेच दिया, खेत बेच दिया, जेवर गिरवी रख दिया, और लड़का जिसके साथ शादी की दामाद निकम्मा निखट्टू, उसको दोनों को अब खिलाना पड़ रहा है, बेटी को भी दामाद को भी और नवासी नवासों को भी, उनको भी पा लिया और ख़ुद बिक गए जहेज़ के चक्कर में, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो भाई देखो जिस चीज़ को अल्लाह ने अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि मीरास दो जहेज़ मत दो, जहेज़ का मुतालबा नहीं होगा, जहेज़ भी दिया था नहीं दिया था, लेकिन मीरास का मुतालबा होगा, अल्लाह का हुक्म है। तो आज जो इत्तेफाक़ की बुनियाद है वो हुकूक़ की अदायगी है, जब तक हम लोग हुकूक़ नहीं अदा करेंगे वालिदैन का, भाई बहनों का, बीवी बच्चों का, उस वक्त तक मामलात साफ़ नहीं होंगे। जब मामलात साफ़ नहीं होंगे तो मुआशरत ख़राब होगी, जुड़ी हुई चीज़ है। इस वक्त आलमी पैमाने पर मुआशरत ख़राब और मामलात ख़राब, उसकी वजह से, वजह क्या है, नाइत्तफाक़ी।
ना इत्तफाकी क्यों होती? बदमामलगी की वजह से। बदमामलगी का नतीजा बदमाशरती। और फिर आखिर में हजरत फरमा रहे हैं 25वां उसूल इम्तियाज़ कौमी, हर काम में इसका ख्याल रखो कि तुम मुसलमान हो, तुम मोमिन हो, तुम मुस्लिम हो, तुम मुहसिन हो, तुम्हारे लिए शरीयत है, सुन्नत है, तरीक़त है। तुम सुन्नी हो, हनफी हो, चिश्ती हो, यहाँ के लोगों के लिए कह रहा हूँ, मैं दुनिया भर करूँ। मैं तो सहारनपुर में शाह हारून साहब चिश्ती हैं, शाह इसहाक़ साहब भी सोहरवर्दी हैं, चारों सिलसिले जैसे हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, चार सिलसिले उलमा के हैं, फ़कहा के हैं। ऐसे ही सूफिया और बुज़ुर्गों के चार सिलसिले हैं, चिश्ती है, कादरी है, नक़बंदी, सोहरवर्दी है। ये दो बुज़ुर्ग आपके, ये देवबंद और सहारनपुर में दारुल उलूम मदारुल उलूम तो कायम हुए हैं 550 साल के बाद, 750 साल पहले आपके शाह हारून साहब चिश्ती, और उनके बाद 50 साल के बाद शाह इसहाक़ साहब, जिनका शाह विलायत जिनको कहा जाता है। ये दो बुज़ुर्गान दीन यहाँ के अव्वलीन हैं, और फिर इनसे इस्तिफादा करने वाले और हजरात हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं। फिर उसी सिलसिला ब सिलसिला सिलसिला ब सिलसिला आपके बुज़ुर्गों तक बात आती है, मौलाना सआदत अली सहारनपुरी, मौलाना अहमद अली सहारनपुरी, काजी फजलुर रहमान सहारनपुरी, और फिर उनके मुखलिस आशिक दोस्त हाफिज़ फजल हक साहब मरहूम थे आपके इसी महल्ले के, जिन्होंने अपनी बुज़ुर्गों से अकीदत और ताल्लुक़ मोहब्बत की वजह से उनको यहाँ दावत दी, तब आपके महल्ले में मदरसा आ गया। तो जब ताल्लुक़ होता है तो आदमी वैसे ही आदमी को तलाश कर लेता है। और फिर उन्होंने उन बुज़ुर्गों को अपने कब्रिस्तान में तदफीन कराई उनकी, अपनी ख़ास उस पर भाई यहीं आराम फरमा हो। तो वो सिलसिला जो है क्या चीज़ है, वो महब्बत, अजमत और इत्तबा। महब्बत होगी, अजमत होगी, इत्तबा होगा। कैसे आएगा? अदब के साथ। अदब नहीं होगा तो इल्म नहीं आएगा, इल्म नहीं आएगा, इल्म सही तो अमल मकबूल भी नहीं आएगा, और जब इल्म सही अमल मकबूल नहीं आएगा तो हिदायत नहीं होगी, जब हिदायत नहीं होगी तो आखिरत में नजात भी नहीं होगी। तो इसलिए दुआ भी करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए। ये हयातुल मुस्लिमीन हज़रत की किताबों की एक बुनियादी नुमाइंदा किताब है, इसको पढ़ना भी चाहिए, जो न पढ़ सके उनको सुनना चाहिए। उर्दू ज़ुबान भी सीखें, वो भी वाजिब है, और क़ुरान पाक भी पढ़ें, अकायद भी दुरुस्त करें, अखलाक भी दुरुस्त करें, आमाल भी दुरुस्त करें। अल्लाह तबारक व तआला हमको सबको इसका एहतमाम नसीब फरमाए। ये मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रिसाला लिखा, इसके बहुत अरसे के बाद नजातुल मुस्लिमीन है, ये इसी का तकमिला है। ये दोनों किताबें मिल जाती हैं, और इस्लामी अकायद भी मिल जाते हैं, और अज़कार मसनूना भी मिल जाते हैं, और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मुनाजात मकबूल भी मिल जाती है। तो किताबें भी पढ़ें, बुज़ुर्गों की सोहबत भी इख्तियार करें, और जब कोई मसला पेश आए उलेमा दीन से पूछें। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.